माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं ज़ारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। अगर मैं चार, कंचन बाग में तीन और एक मादनापेट में इन्वॉल्वमेंट में था। इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है? जो हाउसेस लॉक करता है उनको देख के रखी करने के बाद जो आदमी इनमेट ऑप्शंस, कोई प्रेयर्स को, कोई टेंपल्स को, कोई अदर एरिया में ट्रैवल करने में टाइम देखकर ये मौका उनके फेवर में लगाकर ये पूरा हाउस ब्रेक करके, लॉक ब्रेक करके ये पूरा प्रॉपर्टी चोरी करता था। ये अभी नया 8 केसेस, पुराना केसेस 4, पूरा 12 केसेस में 50.9 तोलास, आपको थोड़ा गलती लिखा है, 46.9 बाद में रिकवरी हो गया। अब ये इनको कस्टडी भी लेना है, चाहिए 51 तोलास लगभग, सो 17 लाख का लगभग 17 लाख प्रॉपर्टी उनसे सीज कर दिया। अभी उनको रिमांड भेज रहा है। इसी सेम टाइम में और एक बार, दूसरा बार उनको पीडी एक्ट में भेजने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर, 29 केसेस में पीडी एक्ट से रिलीज कब हुआ? रिलीज कब हुआ? 2016 अप्रैल उसमें लिखा है, अब अप्रैल को रिलीज हो गया पहले वीक में। ये रिलीज होने के बाद भी ये बंद करा नहीं, ये चोरी करना, तो इसीलिए इनके ऊपर दूसरा बार पीडी एक्ट लगाने के लिए हम कमिश्नर साहब को प्रपोजल भेज रहे हैं। कुछ कन्विक्शन भी आए, बहुत पुराना, 17 ईयर से वो काम कर रहा है, ये बुरा काम जा रहा है। अभी ये 12 केस हुए, इसके साथ कोई पूरा 29 + 12 14 केसेस है ना, इसीलिए टेबलेट नहीं दिया। सो अभी उनका पूरा डिटेल्स लगाने के लिए उनका कस्टडी ले रहा है 3-4 दिन के लिए। ये पूरा टेबलेट फॉर्म लेने के बाद उनका पूरा डिटेल्स ये पीडी एक्ट रूप से हम फिर शुरू करेंगे। इसी तरह ऑफेंडर्स, चेन स्नैचर्स को उनका पीडी एक्ट में बहुत काम कर रहा है, लेकिन ये पीडी एक्ट होने के बाद भी सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेख।